अगर हिंदुस्तान की चैनल देखें तो जो पाकिस्तान को जलील किया जा रहा है, आज सारी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। भिखारियों की तरह कर्जे मांग रहे, कोई नहीं दे रहा, क्योंकि चोर ऊपर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का दिया गया एक स्पीच इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें इमरान ये कहते हुए दिखाई देते हैं, मैं जिंदगी में कभी किसी के आगे नहीं झुकता। हिंदुस्तान के चैनल पाकिस्तान को किस तरह जलील कर रहे हैं ये सबने देखा है। शहबाज को सजा होने वाली थी, बाजवा ने उसको पीएम बना दिया। जरदारी को दुनिया जानती है कि वो सबसे बड़ा चोर है, लंदन में बैठा भगोरा है। दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है क्योंकि चोर ऊपर बैठे हैं। नवाज लंदन में बैठकर आर्मी चीफ बना रहा है। जरदारी और नवाज अपना पैसा वापस पाकिस्तान ले आए, हमें IMF के लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे पूर्व पीएम ने कहा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब गई है, पाकिस्तान में इतिहास की सबसे ज्यादा महंगाई है। शहबाज शरीफ विदेश में जाकर भीख मांग रहा है, लोग उसको बेइज्जत कर रहे हैं। पीएम शहबाज शरीफ और ISI बॉस जैसे सत्ता में बैठे लोग मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मेरी जान को भी खतरा है। आज अगर पाकिस्तान का आपने ये हाल देखना है, जो हम नीचे, कभी भी पाकिस्तान इतना नीचे नहीं गिरा जो आज है, तो उसकी जरा वजह सुन लो। प्राइम मिनिस्टर, 16 अरब रुपए का FIA का केस की चोरी में सजा होने लगी थी, 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी, जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। और उधर लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा जो मुल्क को वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा, सजाया आफ्ता, अरबों रुपए के घर में बैठा हुआ लंदन में जो यहां से चोरी करके पैसा लेके गया है, वो मुल्क को वहां से बैठ के फैसले कर रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। मुझे ये बताएं कि जब मुल्क के सरबरा ऊपर फैसला करने वाले मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठ जाएंगे तो क्या मुल्क का दिवालिया नहीं निकलना? ये दो खानदान अगर आधा भी अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए तो यहां आपको कोई IMF या किसी से कर्ज लेने की जरूरत, अगर जब पता है खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि इमरान खान की जान खतरे में है। मैं कह रहा हूं मेरी जान खतरे में है, और मैं पहले 2 महीने पहले कह रहा था कि जान खतरे में, उससे उसके बाद हमला हुआ मेरे पे, मैंने पहले पेशेंट को ही कर दी थी क्या करना है इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा वकील आज खत लिखें कि मजाया केसेस के ऊपर बुलाया जा रहा है, इलेक्शन के कमीशन के सामने मुजाहरा होता है, मैं घर बैठा हूं और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। तोशाखाना का केस, मैं तो कहता हूं आज कि जब भी तोशाखाना का केस मेरा सुना जाए, पब्लिक हेयरिंग हो, TV के ऊपर सारी कौम को पता चले कि वो केस क्या है, कौम को पता चले कि क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क से, कि जिन्होंने डाका मारा तोशाखाना के ऊपर जरदारी और नवाज शरीफ ने, उनके केसेस खत्म कर दिए हैं, और जिसने, और इंशाल्लाह ओपन हेयरिंग हो, सारी कौम के सामने पता चले तोशाखाना केस क्या है। मैं चैलेंज करता हूं के सारों के केसेस देखे, और अगर किसी ने कोई भी गैर कानूनी चीज तोशाखाना में नहीं की, उसका नाम इमरान खान निकलेगा। दरअसल इमरान खान का यह बयान रविवार 5 मार्च का है, जब तोशाखाना मामले में आरोपी इमरान खान के घर पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसके बाद इमरान खान के घर के बाहर उनकी पार्टी PTI के कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। उन्हीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरान ने यह स्पीच दिया। बता दें कि 7 मार्च को कोर्ट में पेश होने का हवाला देकर पूर्व PM इमरान अपनी गिरफ्तारी से तो बच गए, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के लाइव भाषण, रिकॉर्डेड भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहा है कि इमरान खान ने अपनी तकरीरों में अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं पर भड़काऊ बयान दिए हैं, आधारहीन आरोप लगाए और नफरत फैलाने का काम किया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही इस तकरार पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।